छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएम सिंह देव और भतीजे आदित्येश्वर शरण देव ने अंगदान किया है। आपको बता दें कि दरअसल अंबिकापुर शहर के युवा आर्यन आयुष सिन्हा ने इसकी शुरुआत कर पिछले 3 सालों से रक्तदान, महादान, अंगदान, जीवनदान के नाम से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव और भतीजे आदित्येश्वर शरण देव ने अंगदान किया है। इसकी प्रक्रिया मरणोपरांत अंगदान देने के लिए भारत सरकार की ऑर्गन डोनेशन की वेबसाइट पर फॉर्म भरकर जमा किया गया। इधर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि मैंने अपना अंगदान किया है क्योंकि हमारे शरीर का कोई भी अंग अगर किसी के काम आ सके तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पिछले साल की तुलना में मौजूदा समय में लोग जागरूक होकर अंगदान कर रहे हैं। जी, आज से 2 वर्ष पूर्व अंगदान करने का प्लेज मैंने भी लिया था। किसी कारणवश वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसका कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इस वर्ष उसको भी पूरा करने का मौका लगा और जो गवर्नमेंट की तरफ सर्टिफिकेट मिलता है वो भी प्राप्त हुआ। और ये भी जान के खुशी हुई कि 2 वर्ष पूर्व जहाँ छत्तीसगढ़ सारे प्रदेशों में आखिरी स्थान पे था, आज वो 20वें स्थान पे आया है उठ के। और आर्यन जैसे साथ में हैं, इनके जैसे अच्छे समाजसेवी युवकों के माध्यम से इस पहल पे काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी सरगुजा भी यहाँ पे एक पहल लगातार साल भर चलाती है और लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को इस पे प्लेज दिलाने का हम लोग ने काम किया है और ऐसे ही जागरूकता बढ़ाने का काम करने का प्रयास करते रहेंगे। हमारे बीच में उत्साही युवा हैं, जागरूक और जिम्मेदार भी हैं, अपनी ओर से पहल कर रहे हैं। और मैंने भी ये महसूस किया है कि बहुत ही एक आवश्यक जवाबदेही समाज के प्रति अंगदान है जो देश में उतनी स्वीकार्य नहीं हो पाई है। अभी तक हमारी जो भी परंपराएं रही हैं, मृत्यु उपरांत दाह संस्कार इत्यादि की परंपराएं रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोच में वो जगह नहीं बना पा रहा है कि मृत्यु के बाद हमारा अंग और प्राणियों के काम आ सकता है। कुछ साल पहले मैंने नेत्रदान का संकल्प लिया था लेकिन वो पंजीकृत नहीं हुआ था, तो आज ये आए और कल आए थे, इन्होंने बताया कि पंजीकृत नहीं हो पाया, आपने अंगदान किया तो था, नेत्रदान किया था, तो उसका पंजीयन और साथ में अन्य अंगों के दान के संदर्भ में, टिशू के दान के संदर्भ में संकल्प लिया है। और मेरी ये इच्छा है मृत्यु उपरांत अगर शरीर के कोई अंग उस दशा में हो कि किसी के भी काम आ सकें तो वो आए। शासनकाल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जब काम करने का मौका भी मिला था तो प्रदेश में भी लिवर ट्रांसप्लांट, प्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब के लिए बड़ी दिक्कत जा रही थी। रोटो है, सोटो है, ये संस्थाएं हैं, ऑर्गन डोनेशन के संस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, ये प्रदेश में स्थापित भी नहीं थी। तो आज हमारे यहाँ न केवल वो स्थापित हैं बल्कि चल रही हैं, गतिशील हैं। और टिशू का भी दान करके वहाँ पर टिशू बैंक बना हुआ है अब छत्तीसगढ़ में, तो उस टिशू के माध्यम से भी बहुत उपचार हो सकते हैं। तो एक पहल जो आवश्यकता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी करने का मौका लगा था और एक नागरिक के रूप में भी जो मुझे महसूस होता है कि मृत्यु उपरांत अगर शरीर का कोई अंग किसी के काम आ सके तो उसके लिए सामने आना चाहिए। आज वही सर्टिफिकेशन मिला है तो मुझे एक संतोष, गहरा संतोष महसूस हो रहा है। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।